व्यूज़, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि नदीम नानीवाला ने डॉली को क्यों प्रपोज़ किया और उसके पीछे उसका क्या मकसद था। और मैंने आपको उसकी वीडियो भी दिखाई थी कि वो कितनी दफ़ा देखी गई है। तो उसके बाद सबसे पहले तो मैं आपको ये, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो देख लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि डॉली ने जो सबसे पहले नदीम का रिप्लाई किया तो उस पर क्या कहा था, उसके बाद फिर इसके ऊपर बात करेंगे। ओके, तो व्यूअर्स, इसमें आपने देखा कि डॉली ने ये कहा है कि नदीम नानी वाले तुम्हारी वीडियो मुझ तक पहुंच गई है और मैं इसका रिप्लाई जो है वो अपनी अगली वीडियो में दूंगी। लेकिन डॉली ने ऐसा कुछ नहीं किया, लोग जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे कि डॉली जो है वो कब नदीम को रिप्लाई करेगी। इसी इंतज़ार में लोग जो है वो डेली इसकी टिकटॉक जो है वो चेक कर रहे थे कि डॉली कब रिप्लाई दे, कब रिप्लाई दे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी है तो उसमें मैंने बताया होगा कि सबके पीछे क्या था, और वही बात मेरी सच हुई। आप देखें कि उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, बल्कि उसके बाद और वीडियो वो बनाती रही। आज डॉली ने जो नदीम नानी वाला को रिप्लाई किया है वो भी पहले आपको सुनाता हूँ। तो व्यूअर्स, ये वाली वीडियो देखने के बाद अब आपको मेरी बात पे यकीन हो गया होगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फेमस होने के लिए स्टंट था। ना ही नदीम नानी वाला ने दिल से इसको प्रपोज़ किया था और ना ही इसने आगे से कोई ऐसा रिस्पॉन्स दिया था, ये सिर्फ़ और सिर्फ फेमस होने के लिए था। आप ये वीडियो देखने के बाद तो अब आपको यकीन आ गया होगा कि मैं बिल्कुल सच कह रहा था। अब इस वीडियो में आप देख लें कि इसने डॉली ने कोई रिप्लाई नहीं किया, बल्कि बात जो है वो गोलमोल कर दी है और आप लोगों के ऊपर छोड़ दी है, ताकि आप आने वाली उसकी नेक्स्ट मज़ीद वीडियो देख सकें और इंतज़ार कर सकें वो क्या कहती हैं। तो व्यूअर्स, मैं मेरी बातें जो मैंने कही थी अपनी पहली वीडियो में वो बिल्कुल सच साबित हुई हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को बेवकूफ़ बना के जो है वो खुद फेम हासिल करते हैं, और इनका इनके पीछे इस तरह की वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं होता। नदीम की वो जो वीडियो थी वो भी जो थी मिलियंस में देखी गई थी, और ये डॉली की जो वीडियो जिसके ऊपर सबसे पहले इसने रिप्लाई किया वो 5.8 मिलियन में देखी गई, और जो अभी रिसेंटली इसने ये वीडियो अपलोड की है अभी इसको सिर्फ 21 मिनट्स हुए हैं और ये 30K दफ़ा देखी भी गई है। तो ये वीडियो जो है ये भी बहुत दफ़ा देखी जाएगी, और सिर्फ इसीलिए कि लोग ये समझेंगे पता नहीं इसने क्या रिप्लाई किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।